ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा होता है। सो जो सवाल था व्यूअर का, एक बच्ची का, कि उनकी शादी हुई है और शादी के बाद शौहर ने बगैर किसी खास रीज़न के उनको उनके पेरेंट्स से मिलने से रोक दिया, और ये कहा है कि बस अब तुम मेरी बीवी हो और मेरी मर्जी पे चलोगी, और अगर तुम मेरी मर्जी के बगैर अपने पेरेंट्स से मिली तो तुम यू आर अ डिसोबीडियंट वाइफ और तुम अपनी आखरत खराब करी हो। अब ये वाली जो चीज़ है मुझे सख्त कोफ्त होती है कि इस्लाम के नाम पे जुल्म भी करते हैं, जबर भी करते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं, और बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज उसको ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त मैं गुमान यही करूँगी कि इन साहब को भी गालिबन ठीक तरह से इस्लाम का पता नहीं है, क्योंकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर है प्रिवेल जो कर रहा है उसमें औरत बेसिकली, उसके बारे में तसव्वुर ये है कि बीवी जो है वो कम्प्लीटली खाविंद के कंट्रोल में है और उसकी सारी जिंदगी का कंट्रोल खाविंद के हाथ में है, और जो वो कहेगा वो करेगी, और अगर वो नहीं करेगी तो वो एक नाफरमान बीवी है, और नाफरमान का तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो जहन्नमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने पहले भी कहा है 2-3 दफा कि जहां पे ओबीडियंट की बात आई है, सूरह निसा को आमतौर पे ये कोट करते हैं, ये आपकी गलत फहमी है, इसको आपने समझा ठीक नहीं है, मिस ट्रांसलेशन भी है, और उसके अलावा तफसीर में भी कुछ हाईजैकिंग हुई है कि ओबीडियंस की बात हो रही है अल्लाह से। देखिये मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की पहचान सेम है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं। मुसलमान मर्द भी अल्लाह का गुलाम है, मुसलमान औरत भी अल्लाह की गुलाम है। गुलाम का मास्टर एक ही होता है, लिहाजा उनका मर्द का भी मास्टर अल्लाह ताला, मेरा मास्टर भी अल्लाह ताला। अब मियाँ और बीवी के मामले में जो बात आती है कि जब वो भी अल्लाह की ओबीडियंस में वही काम करेंगे जो अल्लाह ने कहे और बीवी भी वही करेगी और दोनों अल्लाह के ओबीडियंट हैं, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत खूबसूरत बैलेंस वाला ऐसा रिश्ता कायम होगा जिसमें हुकूक फराय सबका पासदारी हो रही है। ये कल्चर के नाम पे जो हाईजैकिंग की है और उसमें फिर औरतों से ये कह दिया जाता है कि यू हैव टू बी माई ओबीडियंट वाइफ, नो शी हैज टू बी एन ओबीडियंट मुस्लिमा।